महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीबी के कद्दावर नेता नवाब मलिक के मुंबई स्थित परिवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ जारी है। ईडी अधिकारी आज सुबह नवाब मलिक के आवास पहुंचे थे और आवास पर पूछताछ के बाद ईडी की टीम उन्हें अपने दफ्तर ले गई। पिछले कुछ घंटों से नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही है और ईडी ने नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों को लेकर तलब किया था। परिवर्तन निदेशालय की टीम नवाब मलिक से पूछताछ कर रही है, तो वहीं नवाब मलिक के दफ्तर से एक ट्वीट किया गया है। नवाब मलिक के ऑफिस ने ट्वीट कर लिखा, न डरेंगे न झुकेंगे, 2024 के लिए तैयार रहें, न डरेंगे न झुकेंगे। इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नवाब मलिक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। जिस तरह से उन्हें घर ले गई है ईडी, वह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती है, 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इसे ध्यान में रखो। दरअसल परिवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्ति के अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद बुधवार को नवाब मलिक से पूछताछ की गई। एजेंसी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की थी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।